एटा थाना मलावन पुलिस द्वारा लॉकडाउन के दौरान नियमों की अनदेखी कर शराब की तस्करी करते हुए एक रिटायर्ड पुलिसकर्मी गिरफ्तार। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एटा श्री सुनील कुमार सिंह के निर्देशन में जनपद में लागू लॉकडाउन को प्रभावी बनाए जाने के उद्देश्य से चलाए जा रहे अभियान के तहत दिनांक 8 अप्रैल 2020 को मलावन पुलिस द्वारा लॉकडाउन के दौरान मुखबिर की सूचना पर एक सफेद रंग की स्कोपियो में शराब को अवैध तरीके से बिक्री करने के उद्देश्य से ले जाते हुए एक अभियुक्त जिसका नाम पेशकार सिंह पुत्र जिलेदार सिंह निवासी कमालपुर थाना सकीर जनपद एटा को गिरफ्तार किया गया है। पूछताछ में अभियुक्त ने बताया कि वह रिटायर्ड SIMT है। बरामद स्कॉर्पियो को चेक किया गया तो उसमें 13 पेटी शराब की बरामद की गई। इस संबंध में मुकदमा पंजीकृत कर थाना स्तर से आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। एक व्यक्ति को पकड़ा गया है, वो कुछ शराब लेके जा रहे थे, क्या है पूरा मामला? जनपद एटा के थाना मलावन पुलिस द्वारा एक स्कॉर्पियो में एक रिटायर्ड पुलिसकर्मी को 13 पेटी देसी शराब के साथ गिरफ्तार किया गया है। चेकिंग के दौरान जब इनकी गिरफ्तारी हुई और गाड़ी की तलाशी ली गई तो उसमें 13 पेटी देसी शराब की बोतलें मिली। पूछताछ में इन्होंने बताया कि आजकल शराब के ठेके लॉकडाउन की वजह से बंद चल रहे हैं, तो इनके द्वारा जगह जगह ऑन डिमांड गाँव में अलग अलग व्यक्तियों को होम डिलीवरी के माध्यम से सप्लाई की जा रही थी। तो ये अवैध कृत्य था और ये अपराध था, तो इनके विरुद्ध FIR दर्ज करके इनको नियमानुसार